सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं कितने दिन, 3-4 दिन के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन से तो कंटेंट नहीं था। आज कंटेंट है क्योंकि मैं जा रहा हूँ 1 नवंबर को 1 तारीख को। तो अभी तैयारी वगैरह चालू है, मम्मी मेरे लिए बना बुना कर रहे हैं। क्या जो जो खाने का, मेरे को उस दिन बिरयानी बनाए थे पर मैंने वीडियो नहीं लिया। मेरा गला भी ख़राब हो चुका है, पूरा गले में खराश आ चुकी है। हाँ, तो मैंने मम्मी को कल बोला कि साबुदाने की खिचड़ी नहीं, साबुदाने की और चावल की खीर बनाना, तो मम्मी आज वो बना रहे हैं। और मैं अभी जो सो के उठा हूँ और मार्केट जाकर आए हैं, तभी मेरी आँखों की नींद अभी भी नहीं गई है, पूरी आँख का बंद चालू हो रही है। तो और फिर कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे कल, कल कुछ नहीं बनाएंगे, परसों बनाएंगे, कल लेकर आएंगे। परसों बनाएंगे चिकन बोटी, चिकन तंदूरी, और क्या बनाएंगे मैं भूल गया, चिकन की सब्ज़ी बनाएंगे शायद, और रोटी चावल, जो कि मैं रितेश वगैरह के साथ खाने वाला हूँ, क्योंकि 1 तारीख को रितेश, नहीं रितेश तो कल चले गया सैटरडे को, 1 तारीख को आने वाला चिराग एडमिशन करने के लिए कॉलेज में। तो फिर चिराग, मैं और रितेश साथ में ही रहेंगे 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को वापस हो जाएंगे। चिराग अपने गाँव जाएंगा, मैं हॉस्टल चले जाऊँगा, इसलिए तीनों के लिए है वो, हम तीनों के लिए, हम तीनों खाएंगे और इंजॉय करेंगे। अभी देखते हैं अम्मी खीर कैसी बना रहे हैं। अम्मी खीर, तो ये अम्मी बना रहे इधर खीर, मैं चालू कर देता हूँ। दूध गर्म करो, क्यों बोलते, खीर नहीं बना रहे अभी। तो ये खीर के लिए साबुदाना निकाल के रखे, और ये तो उसने फालूदा बनाया था जब बिरयानी बनाया था, तब फालूदा है थोड़ा सा, है तो मैं खाऊंगा अभी, आपने खाए ना कल। और ये दूध गर्म हो रहा है, और इसमें क्या है, इसमें है बासी वाली अंडे की भाजी की सब्जी। अरे अम्मी, ये है मम्मी की आती खीर यानी दूध, इसके अंदर शक्कर डाले है ना, और अब ये साबुदाना, साबुदाना चावल, और इनको पकने देंगे आधा आधा पौन घंटे तक के। क्या करेंगे इसके अंदर, कलर डालते हैं क्या? नहीं, वो बाद में बताएंगे अभी हम। तो खीर तो बन चुकी है, पर अभी ये गर्म है, इसको ठंडी होने के बाद पीते हैं और खाते हैं, क्योंकि खाने और पीने वाली दोनों वाली खीर है। ये है खीर जो ठंडी होने के बाद खाऊंगा मैं रात को। मम्मी ने मेरे लिए, मैंने बोला मम्मी को अंडा बना दो, जो मेरा फेवरेट है उबाले हुए अंडे, और ये ऐसे रहते हैं, आपको दिखाता हूँ, मैं पैक किया मेरे से, वो खा रहा हूँ मैं, मेरा फेवरेट है ये है अंडा। इसको उबालते हैं, बॉईल करते हैं, फिर इसके अंदर नमक मिर्ची क्या क्या डालते हैं तो पता नहीं, पर ये मेरा फेवरेट है, तो मैं खाता हूँ मैं। फिर बाद में जाएंगे हम मार्केट किराना लाने के लिए। तो अभी हो चुका है, रात का टाइम हुआ कि शाम का टाइम हुआ है, शाम का टाइम है, 6:40 हो रहे हैं, रात 8 बजे होती है, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। और अम्मी बना रहे हैं यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मटन लाए हैं, तो वो बनाने के लिए प्याज काट रहे हैं, इधर उबालने के लिए, उबालने के लिए इधर बन रहा है। और मेरे नागपुर जाने के लिए सामान भी आ चुका है, बिस्किट वगैरह, अब जो ऊपर से आपको दिखेंगे वही दिखाता हूँ मैं क्या क्या लाया है। तो चिप्स लाए हैं, ये ओरियो, ये मैगी, और मेरे लिए गुलाब जामुन बनाएंगे, लेके नहीं जाऊँगा, बनाएंगे घर पे, ये तो पास्ता अम्मी खाएंगे क्योंकि मैं तो खाऊँगा नहीं। और क्या कर, अंदर है बाकी का सामान, और ये पीनट बटर, और ऐसा वाला शहद का पॉकेट, ये डब्बा लिए है पर वो अंदर है, और क्या है बाकी तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, इतना ही था अभी, इतना है और पता नहीं क्या क्या है। तो और मैंने कंपास लेकर आया हूँ, पाउच वाला, और पेंस वगैरह लाया हूँ, और पता नहीं क्या क्या लाया, तो उनको ध्यान में भी नहीं है। अभी खाना बनेगा तो खाना खाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है खाना बनने को, तब तक मैं टीवी देखता हूँ, अभी आराम से बैठ कर टीवी देखता हूँ अपनी, पोकेमॉन देख रहा हूँ मैं। पोकेमॉन आप सबने देखे होंगे, अरे टीवी को पता नहीं क्या हुआ, तो ये ऐसी छोरी है। तो अभी हम निकाल रहे, हम यानी मम्मी निकाल रहे खाना इधर,
गोश्त बनाए हैं पर मेथी की भाजी वाला, सिरे वाला नहीं बना है, सालन वाला सूखा वाला बनाया है। ये ऐसा रहता है सूखा गोश्त, इसमें मेथी की भाजी डाल के बनाते हैं। तो ये मेरी प्लेट लग चुकी है, अभी मैं खाता हूँ खाना। तो अभी मेरा खाना भी खा के हो चुका है और अभी खीर लाया है मम्मी ने। तो ये खीर गिरी, खीर खाता हूँ मैं। और खीर एक नंबर बनी है और मीठी बनी है। और अभी हम देख रहे हैं बिग बॉस, बहुत दिनों के बाद, दो सीज़न देखे नहीं हम लोगों ने, दो सीज़न। हमारा दोनों का फेवरेट है पर हम देखे ही नहीं थे दो सीज़न। अब इस सीज़न एमसिस्टान इसलिए मैं देख रहा हूँ, मेरा मन करा इसलिए। तो आज के व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपका आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।